इस वक्त की दो बड़ी खबरें आपको एक बार फिर से देते हैं। पहली खबर, जैसा कि लगातार हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं, बड़ी कवरेज है, सिंगापुर से जुड़ी हुई ये कवरेज है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की मुलाकात शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले की ये गोल्डन हैंडशेक की तस्वीरें एक तरफ आपके स्क्रीन पर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के एम्स से ये खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल में है, अटल जी की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। साथ ही आपके लिए अपडेट ये है कि आज सुबह करीब 9 बजे एम्स मेडिकल बुलेटिन जारी करेगा और पूरा देश यही दुआ कर रहा है कि अटल जी जल्द ही स्वस्थ हों और वो घर लौटे। और इस समय जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, सिंगापुर से ये तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें हैं जिनका शायद कई जेनरेशंस ने, कई पीढ़ियों ने इंतजार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन के गोल्डन हैंडशेक की ये तस्वीरें, दोनों के बीच मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात को हर पहलू से एनालाइज करने के लिए एक तरफ मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ है, तो दूसरी तरफ मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा कैपिला होटल के बाहर ही मौजूद है, जहां पर ये मुलाकात चल रही है। इनसाइड इंफॉर्मेशन जो भी उन तक पहुंच रही है वो आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राजनायक अशोक सज्जनहार साहब हैं, हमारे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव साहब हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी साहब। सचिन का रुख कर लेते हैं। सचिन, क्या कोई ताजा अपडेट, क्योंकि ये मुलाकात जो है दो ऐसे नेताओं के बीच में है जो काफी अनप्रिडिक्टेबल है, क्या इस समय सिर्फ दोनों नेता इस मीटिंग में मौजूद है जैसा कि पहले कहा जा रहा था, या उनके साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेशंस और स्टाफ भी है? वो अभी नहीं है, अभी सिर्फ 101 जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई थी वो तस्वीर सामने आई, उसके बाद अभी सिर्फ दोनों। और अंदर से यही खबर आई कि दोनों काफ़ी गर्मजोशी से मिले हैं और जो ट्रांसलेट किया गया उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव साइन आए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आज की ये तारीख 12 तारीख को इतिहास में लिख लेना चाहिए, इतिहास में ये दर्ज हो गई है, जिसमें कहा जा रहा था कि कई अगले 5 मिनट में 10 मिनट में ही पता लग जाएगा कि टॉक्स यहाँ से फेल तो नहीं हो गई हैं, जिसकी पूरी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि अंदेशा था, लेकिन नहीं। यहाँ से सबसे बड़ी खबर यही है कि टॉक्स यहाँ से चल निकली हैं, पीस समिट जिसे नाम दिया गया था वो यहाँ से रेल पर है, यानी कि अपने ट्रैक पर है, और जिसे अगर कहा जाए कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है, तो कुल मिलाकर के वो लम्हे, वो सदियाँ अब बदल चुकी हैं। जैसा मैंने कल कहा था कि वो 34 साल का तानाशाह जो कि सबकी नज़र में एक डिक्टेटर था, आज वो टेबल पर बैठा है, टेबल पर बैठ करके वो एक 34 साल का नौजवान बन गया है, जिसने कहीं ना कहीं अपने रीजन के लिए ये फैसला लिया, जो ये कहता है कि बहुत आसान नहीं था, क्योंकि ये जानना होगा, ये देखना होगा कि उसकी पूरी की पूरी अपब्रिंगिंग जो है वो एक तानाशाह के तौर पर हुई है। जब वो पढ़ाई करने के लिए स्विट्जरलैंड में था तब भी उसकी पहचान छुपाई गई, जन्म कहाँ हुआ ये भी हमें नहीं मालूम है। ऐसे में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आना, कूटनीति जहाँ पर जिस देश का हिस्सा ही नहीं रही है, जो देश अपने आप में एक बाउंड्री के अंदर रहा है, वहाँ से कूटनीति की धाराओं से बहना, वहाँ से अपने आप को बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ से एक वक्त भी लगेगा, हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त देना होगा, चीज़ें कैसे खुलेंगी। सबसे पहला तो यही हो सकता है, दो तीन हम चीज़ें यहाँ पर देखें, तो एक तो स्ट्रीट का दर्जा अमेरिका दे रहा है, जो कि कोरियाई वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, ये नॉर्थ कोरिया के लिए और किम जोंग उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट। दूसरा ये कि एम्बेसीज खुलेंगी यहाँ पर प्योंगयांग में, और प्योंगयांग में भारत की पहले से एम्बेसी, अगर साउथ कोरिया के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन है और भारत को एक नॉर्थ कोरिया के रूप में एक बड़ा मार्केट मिल सकता है, वीके सिंह वहां पर गए थे, भारत का कमीशन वहां पर ऑलरेडी पहले है, अमेरिकी एम्बेसी वहां पर खुलेगी, और एक वॉशिंगटन में नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी तुरंत खुले, ये नॉर्थ कोरिया कहीं ना कहीं जा सकता है, और सेंक्शंस हटाना ये उसके लिए पहली प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि सबसे यहां पर जो कोर है वो कोर इकोनॉमी है, कोर पैसा है, कोर ट्रेड है, नॉर्थ कोरिया को इसकी दरकार है। बिल्कुल, और किम जोंग उन फोटो ऑप के दौरान उन्होंने अपनी भाषा में स्टेटमेंट दिया था, एजेंसीज उसको ट्रांसलेट कर रही हैं, और ट्रांसलेशन ये है कि द ओल्ड प्रिजुडिसेस एंड प्रैक्टिसेस वर्कड एज ऑब्स्टेकल्स इन आवर वे फॉरवर्ड बट वी हैव ओवरकम ऑल ऑफ देम एंड वी आर हियर टुडे। ये कहा किम जोंग उन ने, अगर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो पुराने मतभेद और पुरानी प्रैक्टिसेस के चलते बाधाएं हमारे रास्ते में आ रही थी आगे बढ़ते हुए, लेकिन हम उन्हें ओवरकम कर पाए हैं, हम उन पर जीत दर्ज कर पाए हैं, और इसीलिए आज हम इकट्ठा बैठे हैं। सज्जना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपके पास इस सवाल के साथ एक बार फिर से एक काम करते हैं, जो फोटो ऑप था वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि दोनों नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया।
I feel really great. We're going to have a great discussion, and I think tremendous success. They'll be tremendously successful. And it's my honor, and we will have a terrific relationship, I have no doubt. So, I think that's what I'm going to do. It's not easy. I think we're going to get our hands. 그 과거가 있고 또 그릇된 김경석 관행들이 우리 때로는 우리 눈과 귀를 가리우기도 했는데 우리 모든 것을 이겨내고 이 자리까지 왔습니다. तो सज्जना साहब आपने भी देखा, हमारे दर्शक भी लगातार देख रहे हैं ऐतिहासिक तस्वीरें और ये स्टेटमेंट्स भी ऐतिहासिक, सब कुछ हिस्ट्री में बहुत अच्छे से इसको क्रॉनिकल किया जाएगा और हम लोग लकी हैं, हमारी जनरेशन लकी है। किम जोंग उन की यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। मार्च से पहले वाले किम जोंग उन और जिन किम जोंग उन को हम इस समय अपनी तस्वीर स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये कैसे उनका ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्या मानती हूं मैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो चाहते हैं, लेकिन एक इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी से दुनिया में पीस की बात करना, कैसे हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? क्योंकि मेरे लिए ऐसा सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में होता है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, आपने बिल्कुल अच्छी तुलना दी है इसकी। और मैं आपको, देखिए आपने मार्च का वो दिया है, डिवाइडिंग लाइन दी है, मैं उससे थोड़ा पहले ले जाऊंगा। मैं 1 जनवरी का इसको डिवाइडिंग लाइन समझता हूं, क्योंकि उससे पहले जो इनकी तू-तू मैं हो रही थी अमेरिका के साथ, कोई उसको लिटिल रॉकेट मैन कह रहा है, वो उसको डोटार्ड कह रहा है, वो कह रहा है मेरे टेबल पर न्यूक्लियर बटन है, दूसरा कहता है मेरे पास बड़ा न्यूक्लियर बटन है और मैं ये कर सकता हूँ, तहस नहस कर सकता हूँ। वहाँ पर जब उन्होंने अपनी छठा न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उन्होंने कहा, और मिसाइल टेस्ट किया, कहा हमने पूरे वॉशिंगटन तक हम सारा तहस नहस कर देंगे। तो वो वाली जो बातचीत थी और आज की जो बातचीत है, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है उसमें, क्योंकि अभी 6 महीने का ही है। परंतु मैं इसको बताऊंगा, किम जोंग उनकी सबसे बड़ी सफलता है। एक तारिक फतेह साहब कह रहे थे, मैं भी कह रहा था, इसमें जो एक लेजिटिमेसी अपने को देना, एक रिकग्निशन अपने को देना दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के द्वारा, ये उनकी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी सफलता है। तो और इस मुलाकात की बड़ी सफलता मैं एक और कहूंगा, जो ये मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात होना ही बहुत बड़ी सफलता है। और इसीलिए आपने देखा है दोनों जो पार्टीज में, कह रही हमारे हम लोग लकी हैं कि ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये नहीं लकी है, पर मेरे ख्याल से अब इसका आगे जो क्या होता है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी मुलाकातें हुई हैं। आपको याद होगा 2015 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले थे ताइवान के राष्ट्रपति मा से, और उसमें भी बहुत ये कहा गया था, जो ये भी बड़ी ऐतिहासिक है, इसका बहुत पोटेंशियल है, संभावना है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो इसका भी हमें देखना पड़ेगा। अब दोनों साइड का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है जो इसको ना पॉजिटिव कैसे बनाया जाए और इसको सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, और अगर दोनों के स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं तो यकीनन मेरे विचार से कुछ ना कुछ इसमें आगे होकर आएगा। अब देखिए, अगर 1 जनवरी से अगर हम देखें, जैसे किम जोंग उन ने सब चीज को हैंडल किया है, इतनी जिस तरीके से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की ज्वाइंट टीमें खेली विंटर ओलंपिक्स में, प्योंगचांग में, और उसके बाद संकेत थे वहां पर, नहीं शुरुआत वही थी, शुरुआत उनकी थी 1 जनवरी को जो उन्होंने न्यू ईयर एड्रेस दिया, और उसको जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मून ने जैसे उसको लिया और उसको आगे बढ़ाया, और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसको आगे लिया। मेरे विचार से उनको भी बहुत श्रेय जाता है, क्योंकि अगर उनके इतने सैंक्शंस नहीं होते और अगर उनका दबाव नहीं होता चीन के ऊपर, जो आप सैंक्शंस को पूरी तरीके से लगाइए, क्योंकि पहले भी सैंक्शंस लगे हैं परंतु उनको सैंक्शंस को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, अब चीन ने इंप्लीमेंट किया है, तो इसको इसलिए नॉर्थ कोरिया को आप देख रहे हैं जो दबाव महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है। जब आपके पास अगली बार समय होगा तो मैं भारत के रोल के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के लिहाज से वो बेहद अहम है। सचिन अरोड़ा कुछ कहना चाह रहे हैं। सचिन, कुछ अपडेट? अपडेट तो ये कि इस वक्त तक कुछ ही देर में हमारे पास ये खबर आई है कि डेलीगेशन लेवल टॉक भी शुरू हो जाएगी, यानी कि संकेत सीधा साफ है। यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि टॉक्स अपने वक्त के हिसाब से, टॉक अपने फॉर्मेट के हिसाब से बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से चलती हुई अब दोनों ही देशों के बीच। जैसा कि रात को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की तरफ से बता दिया गया था कि हमारी तरफ से पूरा सेट है, हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, हम अपने टेबल पर जब बैठेंगे तो हमारी तरफ से पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, यानी
यानी कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी जिस तरीके की रिपोर्ट पेश की गई है वो दूसरा पक्ष मानने को या फिर नेगोशिएशन को तैयार हो गया है। यहां पर मैं अपने मेहमानों को चाहूंगा कि एक चीज और भी स्पष्ट कर दें, हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अशोक साहब बहुत अच्छे से इसे बता सकते हैं। सर यहां से जो बाहर आएगा, एक तो ये कि जॉइंट स्टेटमेंट में हो क्या सकता है, नंबर वन यहां पर क्या हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि सीधे तौर पर सेंक्शंस की कोई बात होगी या इसे अमेरिका का झुकाव माना जाएगा कि पहले या सेंक्शंस अभी नहीं हटाए जाएंगे। सेकंड ये कि डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जब इस तरीके की बातचीत इस तरीके से टेबल पर आती है तो यहां से क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा, एम्बेसीज खुलेंगी, स्टाफ जाएगा, क्या कुछ 1-2-3 होगा? जी सचिन बहुत शुक्रिया आपके ये प्रश्नों के लिए। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा क्योंकि ये पहली मुलाकात है और मेरा ये अपना असेसमेंट है, मेरे अपने यहाँ पर जो और पैनलिस्ट हैं वो भी बता सकते हैं। मेरे ख्याल से जो एंड गेम है उस पर तो हम कुछ कह सकते हैं जो अग्रीमेंट होगा, परंतु जो अभी जॉइंट स्टेटमेंट निकल कर आएगा मेरे विचार से बहुत ही संक्षिप्त होगा। उसमें डिटेल्स बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे और उसमें ये बताया जाएगा जो ये हम करने का आगे के हमारे ये वाले स्टेप्स होने वाले हैं।